आज हम आपको देवी माँ के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जो माता के चमत्कार का जीता जागता उदाहरण है। इस मंदिर का नाम है तनोट माता मंदिर। माता का यह मंदिर भारत पाकिस्तान सीमा के पास राजस्थान के जैसलमेर में है। खास बात यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 और 1971 के युद्धों से संबंधित कई कहानियां इस मंदिर से जुड़ी हुई है। इस मंदिर में आज भी पाकिस्तान की ओर से दागे गए बम गोला बारूद मौजूद हैं। भक्तों का मानना है कि माता ने आज तक इन्हें कभी फटने नहीं दिया। ये माता जी का मंदिर काफी विश्वविख्यात है, जो कि 1965 के वार के दौरान यहाँ पे पाकिस्तानी सैनिकों ने बम के गोले बरसाए थे और माता जी के शक्ति से यहाँ कुछ नहीं हुआ था। और यहाँ पे 450 बम के गोले गिरे थे जो बिल्कुल फटे नहीं, जो आज भी मंदिर परिसर में उपलब्ध हैं। से मेरे को ये प्रेरणा मिलती है कि देवी ने हमारे जो भी पाकिस्तान ने अटैक किया था वो काफी बम तो उल्टे वापस उनके ऊपर गिर गए थे, और जो भी है वो आपके यहाँ पर प्रेरणा स्रोत सामने रखे हुए है, वो बम नहीं फूटे अभी तक। यहाँ मैंने ये सुना था कि पाकिस्तान द्वारा बचाए गए बम थे यहाँ, जो कि माता के प्रकोप से वो बम आज तक यहीं है, बिल्कुल भी नहीं फटे, और ये तो एक मेडिकल से कम है ही नहीं। भक्तों का ये भी मानना है कि इस क्षेत्र में लड़े गए युद्धों के परिणाम में मंदिर ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी का नतीजा है कि सीमा सुरक्षा कर्मी भी मंदिर के प्रबंधन में भारी रूप से शामिल होते हैं। मंदिर के परिसर में एक म्यूजियम भी है जिसमें पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान बरामद तोपखाने और अन्य वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ अपनाई जाने वाली कई अनूठी परंपराओं में एक परंपरा रूमाल बांधने की भी है, जिसे भक्त अपनी इच्छा पूरी होने के बाद खोलने आते हैं। जैसे ये रूमाल देख रहे हैं वहाँ पे ना मनोकामना बांधते हैं, जब ये मनोकामना पूरी हो जाती है तब वापस आके फेरी लगाते हैं, या माता को कोई भंडारा कुछ भी करते हैं अपने। यहाँ रूमाल बांधने से यहाँ पे मनोकामना पूर्ति होती है और मनोकामना पूरी होने के बाद में वापस आ जाता है। मन्नत मांगते हैं तो यहाँ आकर रुमाल बांध देते हैं, और जब मन्नत पूरी होती है तब ये आकर के माता से आशीर्वाद लेकर रुमाल खोल के ले जाते हैं। मंदिर में नवरात्रि के दौरान देश भर से आई भक्तों की भीड़ देखी जा सकती है, जिसमें BSF के जवान इस अवसर पर विशेष प्रार्थना और सामुदायिक भोजन का आयोजन करते हैं। सर देखा, पहले तो ये देखा कि BSF के जवान यहाँ पे पूजा करते हैं, वो बहुत बड़ी यहाँ की राजस्थान के सबसे बड़ा गर्व की बात है। जब 1965 और 71 में लड़ी होती तभी से यहाँ पे वो जवानी पूजा करते हैं। हाँ, करके मैं ये देख रही हूँ कि BSF के जवान पूजा कर रहे हैं, भंडारे में है, सब जितने भी मैनेजमेंट है वो, मैंने ये पहली बार देखा है कि BSF के जवान जो है ये सारे मैनेजमेंट को मैनेज कर रहे हैं। इससे पहले मैं ये सुनी थी कि सिर्फ जवान बॉर्डर पे ही रहते हैं। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।